वेलकम टू श्री जी फूड। आज हम बनाएंगे मकाई पोहा चिवड़ा, जो हम बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और दिवाली के त्यौहार में एज अ स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मकाई पोहा का चिवड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मकाई पोहा, 1/2 कप मूंगफली के दाने, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून रेडी पाउडर शुगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सबसे पहले हम इन चारों मसालों को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम पोहे को फ्राई करने के लिए तेल गरम करने के लिए रख देंगे। अब ये ऑयल गरम हो चुका है और मैंने इसमें एक स्टील का स्ट्रेनर रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पोहा ऐड कर देंगे और इसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसी तरह से दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी निकाल लेंगे। अब जो 2 बार का पोहा हमने फ्राई किया है उसके ऊपर हम ये मसाला ऐड कर देंगे। और इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पोहे फ्राई करते जाएंगे और जब थोड़ा थोड़ा पोहा फ्राई होता जाए उसी तरह से उसके ऊपर मसाला ऐड करते जाना है। तो चलिए मैं ये सारा कर लेती हूँ। मैंने ये सारा पोहा फ्राई कर लिया है और सबके ऊपर गरम गरम में मसाला भी ऐड कर दिया है। अगर हम लास्ट में मसाला ऐड करेंगे तो किसी पोहे पे ज़्यादा मसाला लगेगा और किसी पे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अगर आप जब पोहा गरम हो उसी टाइम पे आप मसाला ऐड कर दोगे तो सारे पोहे पे मसाला आ जाएगा, सेम जैसा हम मार्केट से लाते हैं उसी तरह का बन जाएगा। तो चलिए अब हम ये पीनट भी फ्राई कर लेंगे। मैंने पोहा फ्राई करने के बाद गैस थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। हमें पीनट फ्राई करते समय ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए, वरना वो ऊपर से जल जाएगी और खाने में सॉफ्ट लगेगी। तो हमें इसे मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है ताकि वो अच्छी सी क्रिस्प हो जाए। इसे 1 से 1.5 मिनट लगेगा, तो मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। चलिए अब ये हो चुकी है। अब मैं इसे गैस बंद करके निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं मूंगफली के दानों पर से इसकी स्किन अलग हो चुकी है और ये अच्छी क्रिस्प भी हो चुकी है। अब हम इसे पोहे के ऊपर डाल देंगे और बाकी जो थोड़ा सा मसाला बचा है वो भी हम इसके ऊपर ऐड करके मिक्स कर लेंगे। चलिए तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब ये हमारा पोहे का चिवड़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। चलिए तो अब हमारा मकई पोहा चिवड़ा बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप जब ये मूंगफली बिल्कुल ठंडी हो जाए तब इसे एयरटाइट डिब्बे में भरकर आप 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हो। मूंगफली के दाने जब इसमें गर्म हो तब इसे पैक ना करें, वरना ये चिवड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। आई होप यू लाइक माई रेसिपी।